हेलो। ये देखिए, आपको एक एडवांस का प्रॉब्लम मैंने लाया है। लास्ट लेक्चर्स में आपने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था कि अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो उसमें अल्टरनेट अगर बैठ रहे हैं या फिर नो बॉयज सिट टुगेदर, इस प्रकार के जो अरेंजमेंट्स है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। बस वही प्रॉब्लम्स को एडवांस लेवल पे मल्टीपल ऑप्शंस में कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रीड आउट करते हैं। सिक्स डिफरेंट मैथ्स एंड सिक्स डिफरेंट फिजिक्स बुक्स आर अरेंज्ड इन अ बुक सेल्फ। इफ P1, P2, P3 आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट E1, E2, E3 रिस्पेक्टिवली, करेक्ट है? देन E1 व्हेन फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर, E2 व्हेन नो टू फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर, E3 व्हेन फिजिक्स एंड मैथ्स बुक्स आर अल्टरनेट। तो हमको प्रोबेबिलिटी अब इस इवेंट्स की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की निकालनी है। टोटल सिक्स डिफरेंट एंड सिक्स मैथ्स एंड सिक्स डिफरेंट फिजिक्स बुक्स है, मतलब 12 × (n(s) हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। (n(s) तो 12 × हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं ई1 पे। P1 होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, करेक्ट है? तो पहले n(e1) निकाल लेते हैं। n(e1) की बात करेंगे तो वेन फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर, फिजिक्स बुक्स टुगेदर हो गया, यहाँ आ गया फिजिक्स 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 फिजिक्स। सो दोज कैन बी अरेंज इन 6 × (n)s, करेक्ट है कि नहीं? अब ये पूरा एक यूनिट बनेगा और फिर यहाँ आ जाएगा मैथ 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 मैथ, करेक्ट है? तो ये मैथ मैथ ये टोटल 6 है और ये एक बन गया, तो टोटल 7 × तो n(e) तो निकल गया। n(e) हो जाएगा आपका 7 × (6), इसीलिए P1 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 7 × (6) डिवाइडेड बाई 12। ये आ गया पहला ऑप्शन, करेक्ट, ठीक है। तो कैसा किया, फिजिक्स भी इसको टुगेदर कर दिया, टुगेदर कर दिया मतलब ये एक यूनिट बन गया और ये मैथ्स के 6 टोटल हो गए 7, 7 × वे में अरेंज होंगे। लेकिन ये जो फिजिक्स बुक्स एक साथ हुए थे वो 6 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स थे, तो एक साथ जब अरेंजमेंट होंगे क्लब होंगे तो वहां पे भी अरेंजमेंट होगा, वो 6 × होगा। तो ये आंसर P1 आ गया, ठीक है साहब। अब आते हैं P2 के ऊपर। तो पहले E2 निकालना पड़ेगा। n(e2) क्या है, n(e2) When no two physics books are together, तो physics books के ऊपर restriction है, इसका मतलब पहले maths books को arrange कर दो। तो ये maths together, अच्छा together है। When no two physics books are together, तो इसका arrangement आप कैसे करेंगे, ये पहली बार आ रहा है। When no two physics books are, हाँ तो पहले maths को arrange कर दो। तो maths ऐसे करो, इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैथ्स अपने आप में कितने तरीके से अरेंज हो गया, 6 × (n)s में। कितने तरीके से अरेंज हो गया, 6 × अब ये जो स्टार मार्क है ना, स्टार मार्क यहां देखो, अगर इन स्टार मार्क में अगर आप फिजिक्स की बुक्स को अरेंज करोगे, इन स्टार मार्क्स में फिजिक्स की बुक अरेंज करोगे तो कोई भी फिजिक्स बुक्स साथ में नहीं आएगी, करेक्ट है? कितने स्टार मार्क्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये जो होगा ना वो 7 × (n)s में अरेंज हो जाएगा। स्टार मार्क्स है 7 × को 6 से अरेंजमेंट करना है, इसको कैसे करते हैं हम, 7P6। तो ये हो जाएगा 7 × (7 − 6) दैट इज 7 × ये हो गया। तो ये 7 × करेक्ट है, ओके। तो n(e2) निकल गया तो P2 भी निकल जाएगा। तो P2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज अगेन 7 × (6) डिवाइडेड बाय 12। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब आते हैं P3 के ऊपर। P3 निकालते हैं, P3 कैसे आएगा, P3 देखो, व्हेन फिजिक्स एंड मैथ्स बुक्स आर अल्टरनेट, वही हो जाएगा मैथ्स फिजिक्स
मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स एंड मैथ्स फिजिक्स, या फिर होगा फिजिक्स मैथ, फिजिक्स मैथ, फिजिक्स मैथ, फिजिक्स मैथ, फिजिक्स मैथ, फिजिक्स मैथ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला अरेंजमेंट हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये वाला अरेंजमेंट भी हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो दोनों के आने से काम हो जाता है, तो एन ऑफ ई जो होगा वो 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। प्लस क्यों किया? क्योंकि इससे भी मेरा वर्क कंप्लीट होता है और इससे भी मेरा वर्क कंप्लीट होता है, करेक्ट। अल्टरनेट अरेंजमेंट है तो वी कैन स्टार्ट विद द मैथ्स देन फिजिक्स, मैथ्स देन फिजिक्स, और वी कैन स्टार्ट एज फिजिक्स देन मैथ्स, फिजिक्स देन मैथ्स, लाइक दैट। बोथ आर करेक्ट, करेक्ट, बोथ आर कंप्लीटिंग द वर्क बिकॉज ऑफ दैट दिस वन। तो दिस इज 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल एन ऑफ ई हो गया। तो अब देखिए यहां पे ई थ्री भी मिल गया, देखो एन ऑफ ई थ्री, एन ऑफ ई थ्री हो गया 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, एन ऑफ एस था 12 फैक्टोरियल, तो पी थ्री मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री दैट इज 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये तीनों प्रोबेबिलिटीज मिल गई है, तो मैं यहां लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी थ्री, ये आया 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। अब बाकी इनके बेस पे ऑप्शन को चेक करना है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, पी वन इक्वल टू पी टू तो क्लियर हो गया। अब आते हैं पी टू बाई पी थ्री, पी टू बाई पी थ्री, पी टू को पी थ्री से डिवाइड करेंगे तो 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो पी टू बाई पी थ्री, तो देखिए 6 फैक्टोरियल इससे कट गया, 12 फैक्टोरियल इससे कट गया, तो यहाँ बचेगा 7 फैक्टोरियल 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये भी कट गया तो 7 बाई टू, 7 बाई टू, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, क्लियर। अब पी वन बाई पी थ्री तो वही होगा जो पी टू बाई पी थ्री है, तो पी वन बाई पी थ्री भी वही होगा 7 बाई टू, तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, करेक्ट है, ठीक है। और फिर उसी चीज को उसने दूसरे तरीके से पूछा है, तो अब देखो कैसे P1 by P3 भी करेंगे, अब P1 by P3 भी करेंगे तो 7 by 2 ही आएगा, और इसी को उसने पूछा है 2P1 equal to 7P3, तो यहां से 2P1 equal to 7P3 आएगा, मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये करेक्ट है, बाकी ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसने क्या किया, तीनों वैरायटीज को, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि तीनों वैरायटीज के प्रॉब्लम्स हमने देखा था, डिफरेंटली हमने सॉल्व किए थे। अच्छा, ये वाला चीज को मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, व्हेन नो टू फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर, व्हेन नो टू फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर, मतलब मैथ्स बुक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैथ्स बुक्स को पहले आप अरेंज कर दीजिए और फिर उसमें स्टार्क मार्क बना लीजिए, स्टार्क मार्क बनाने के बाद में वो स्टार्क मार्क में फिजिक्स बुक्स अगर अरेंज करेंगे तो ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी। तो 7 स्टार्क मार्क्स में 6 फिजिक्स बुक 7P6 से अरेंज होगा, करेक्ट है। आई होप दैट ये प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ होगा, थैंक यू।